दोस्तों बहुत स्वागत है आपका क्रिप्टो कैटेगरी इस ट्यूटोरियल में, जहां मैं आपको बताऊंगा जारी सी आई बनाने के लिए आपको कौन कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। पहला सॉफ्टवेयर पाइथन, दूसरा सॉफ्टवेयर पाइचा। दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पाइथन के लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको ये विंडो दिखेगी, वहाँ पर आप जाइए, डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, अपना ऑपरेटिंग सिस्टम सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद स्क्रॉल डाउन कीजिए, वहाँ पर आपको पाइथन के वर्जन दिखेंगे, आप स्पेसिफिक वर्जन डाउनलोड कर लीजिए। फिर पाइचाम के लिंक पर क्लिक करने के बाद आपको ये विंडो दिखेगी, कम्युनिटी वर्जन और प्रोफेशनल वर्जन, दो वर्जन आपको अवेलेबल होंगे। प्रोफेशनल वर्जन यूज करने के लिए आपको पे करने की जरूरत है और कम्युनिटी वर्जन फ्री है। तो आप ये दोनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड कीजिए, पाइथन और पाइचाम। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए आप अपने डाउनलोड फोल्डर में जा सकते हैं, या फिर विंडोज की पर क्लिक करके आप पाइथन टाइप करेंगे तो आपके पास विंडोज पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में जितने भी पाइथन के मैनुअल्स .exe नाम के फाइल्स होंगे वो आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे पाइथन 3.6.0 डाउनलोड तो है लेकिन इंस्टॉल नहीं है, तो मैं आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। पाइथन के सभी वर्जन आप इस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए हम इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के लिए इसे ऐड पाथ ना करना बोले, करना ना बोले, इसे जरूर ऐड टू द पाथ करें। फिर कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे के थ्रू आप इंस्टॉल करना स्टार्ट करें। फिर यहाँ से आप इसे इंस्टॉल पे क्लिक करें तब तक इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद हम पाइथन इंस्टॉल करेंगे। तो पाइथन की लाइब्रेरी काफ़ी बड़ी है, तो इंस्टॉल करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि पाइथन को यूज़ करके हम सिर्फ एक एआई नहीं बनाते, लेकिन बहुत कुछ हम पाइथन से कर सकते हैं। मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हम जिसे इसी के नाम में मल्टीपर्पज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिससे हम विजुअलाइजेशन करते हैं, वेब पेजेस बनाते हैं, डाटा साइंस में यूज करते हैं, और एआई बनाने के लिए भी हम इसे यूज करते हैं। तो काफी अच्छी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है पाइथन। तो ये इंस्टॉल हो रहा है तो हम इस वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अपना पाइथन इंस्टॉल हो चुका है, अब हम पाइचाम इंस्टॉल करेंगे। तो दोस्तों अब हम पाइचाम इंस्टॉल करते हैं। पाइचाम इंस्टॉल करने के लिए विंडोज की दबाइए और पाइचाम टाइप कीजिए। पाइचाम टाइप करने के बाद पाइचाम के एक .exe फाइल आपको ओपन दिखेगी, तो उस पर डबल क्लिक करके उसे ओपन कीजिए। उसे ओपन करने के बाद आपको एक परमिशन मांगेगा, यस और नो, तो आप यस कीजिएगा इंस्टॉलेशन की प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए। ऑपरेटिंग यस करने के बाद ये स्क्रीन आपको मिलेगी, उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट पे नेक्स्ट वापस नेक्स्ट क्लिक कीजिए और 64 bit ओके डेस्कटॉप शॉर्टकट क्लिक कीजिए और अपडेट कॉन्टेक्स्ट मेन्यू एंड ओपन एज ए प्रोजेक्ट ओके। और आप चाहे तो इनमें से कौन चेक करें या फिर बाद में आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। तो मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ। क्रिएट एसोसिएशन विद डॉट पाय चेक कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट करते हैं इंस्टॉल। और ये पाइचाम आपका इंस्टॉल हो रहा है। मैं आपको बता दूँ पाइचाम बहुत ही यूजफुल सॉफ्टवेयर है, जो सिर्फ पाइथन ही नहीं HTML कोडिंग में भी बहुत यूजफुल होता है। आप HTML के कोड भी पाइथन से कोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा पाइथन इंस्टॉल हो रहा है। अगर आपको डिटेल्स जानने हो तो डिटेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्या इंस्टॉलेशन हो रहा है, नाम क्या क्या है। वीडियो को जरा फॉरवर्ड कर देते हैं इंस्टॉलेशन प्रोसेस के लिए। तो यहाँ पे हमारा पाइथन इंस्टॉल हो गया है और डन कर पाइथन कम्युनिटी एडिशन फिनिश।
इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं इसको। ओके, और ये हमारे पास हमें कम्युनिटी एडिशन ओपन हो जाए। तो वो आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी एरर आ रहा हो, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।